भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है, जिसके तहत लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। आइए इस अभियान के बारे में लोगों में जो गर्व की भावना है उसके बारे में सुनते हैं। प्यार का दूसरा नाम है मेरा भारत, अनेकों में एकता का प्रतीक है मेरा भारत, चंद गैरों की सुनना मुझे गवारा नहीं, मेरा अभिमान है मेरा भारत। यह मेरा सौभाग्य है, यह हम सबका सौभाग्य है कि 75वीं वर्षगांठ पर भारत की हम सभी इसके साक्षी बने हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमें 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के साथ स्वतंत्र भारत का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और अब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में ये साल अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में सभी देशवासियों से ये अपील है कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं और राष्ट्र को नमन करें। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस दिन हम शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। ये हमारा राष्ट्र त्योहार है। पचहत्तरवें आज़ादी के अमृत महोत्सव, हर दिल है देश प्रेम से रंगा, हर दिल है देश प्रेम से रंगा, आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा, आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर बनाना है, जिन जिन की भागीदारी को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा लहराएं। जय हिंद।